अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम सब भी खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम आपके लिए बना रहे हैं मज़ेदार कोरमा, चिकन कोरमा बना रहे हैं हम ये। और इसके अंदर हमने प्याज ब्राउन कर लिए अच्छी तरह से, उसके बाद उनको ड्राई करने के लिए हमने एक टिश्यू पेपर में रख दिया। यहाँ पे हम ऑयल के अंदर करी पत्ता, इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची डालकर थोड़ा सा इसको गर्म कर रहे हैं। आपने इसको बिल्कुल पकाना नहीं है कि वो बिल्कुल ब्राउन हो जाए, हल्का सा सौते करना है। उसके साथ आपने इसके अंदर सिनेमन स्टिक्स डालनी है थोड़ी सी, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ चिकन। मैं एक फुल चिकन जो कि अबाउट 2.5 पाउंड का चिकन है वो बना रही हूँ, और उसके अंदर मैं ये सब चीज़ें डाल रही हूँ। मैंने इसके अंदर एक बल्कि 2-3 ब्लैक कलर की इलायचियाँ जो होती हैं, बड़ी इलायची, वो भी डाल दी है। थोड़ा सा हम इसको सौते करेंगे। सौते करने के बाद चिकन जो कि पहले से वॉश करके रखा हुआ था और वॉश करने के बाद उसको ड्राई कर लिया था ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। चिकन अपना पानी बहुत रिलीज़ करता है, इसलिए मेक श्योर कि उसको धोने के बाद आप स्ट्रेनर में डालें और थोड़ी देर के लिए रख दें ताकि उसका पानी अच्छी तरह से स्ट्रेन हो जाए। अब हमने उसको ऑयल के अंदर ऐड कर दिया है। हम इसको थोड़ा सा इसको ऑयल के अंदर सौते करेंगे अंतिल के उसका कलर ब्राउन होना शुरू हो जाए। उसको थोड़ा सा पकाएंगे। अब देखिए गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा दही डाला है। अगेन आपने चीज़ें अपनी क्वांटिटी के मुताबिक डालनी है। मैंने इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच दही के डाले हैं। उसके अंदर मैंने नमक, मिर्च, जो भी ड्राई मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, हरी मिर्च और गरम मसाले का पाउडर डाला है, और इसके अंदर धनिया डाला है, और सब कुछ डालकर इसको पकाने के लिए रख दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर आया है इसका। हमारा कोरमा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसके ऊपर जब घी आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि कोरमा रेडी हो गया है, पकना शुरू हो गया है। हमने थोड़ी देर के लिए इसको बंद करके भी रखा था स्टीम के अंदर ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाए। और ये हमारी फाइनल लुक, माशाल्लाह मज़ेदार चिकन कोरमा इज़ रेडी। इसके ऊपर हरी मिर्चें और जिंजर आपने जुलियन काट के इसके ऊपर आपने गार्निशिंग कर देनी है। बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप इसको पराठे के साथ खाएँ, घर की रोटी के साथ खाएँ, या नान के साथ खाएं, और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। हमारा मज़ेदार कोरमा रेडी हो चुका है। आई होप आपको आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगेगी। प्लीज़ आप हमको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है क्योंकि इससे हमें इनकरेजमेंट मिलती है, हमें खुशी मिलती है, और हम और भी अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।